हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा तबस्सुम गोविल अब इस दुनिया में नहीं रही। उनके निधन पर फिल्मी जगत में शोक की लहर है। तबस्सुम के निधन पर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी दुख जताया है। आपको बता दें, अभिनेत्री तबस्सुम का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हुआ है। उन्होंने 78 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ एंकर और टीवी होस्ट भी थी। तबस्सुम के निधन पर अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में दुख जताया है। भावुक होते हुए बिग बी ने लिखा कि तबस्सुम एक तस्वीर की तरह उनके जहन में रहेंगी। आपको बता दें, अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा है, प्रतिभाशाली तबस्सुम एक्टर, एंकर, टीवी होस्ट, ऑलराउंडर का निधन हो गया। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, वो सभी एक एक कर हमें छोड़कर जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने आगे लिखा कि ये समझ से परे है, आप केवल उनकी उपस्थिति और जीवन के समय को आंखों और दिमाग के सामने याद करते हैं। बिग बी ने अपने ब्लॉग में आगे लिखा, और वो हमेशा समय की एक इमेज बने रहते हैं, अपरिवर्तित, मुक्त और स्वतंत्र की स्वतंत्रता में, और फिर वो चले जाते हैं और इसकी हालचाल नहीं ली जा सकती, लेकिन जीवन जारी रहता है। बिग बी ने अपने ब्लॉग में आखिर में लिखा, जीवन में हर वक्त, हर कुछ, हर दिन, हर जगह पूरा नहीं मिलता, यहाँ तक कि एक उचित नींद भी नहीं। आपको बता दें, तबस्सुम गोविल उम्र के इस पड़ाव में भी काफी एक्टिव थी, वो लगातार काम भी कर रही थी। उनके बेटे उशांक गोविल ने बताया कि वो 10 दिन पहले तक शूटिंग कर रही थी और आने वाले दिनों में भी उन्हें शूटिंग पर ही जाना था। तबस्सुम का निधन अचानक हुआ है, वो बिल्कुल स्वस्थ थी। उनके निधन पर बॉलीवुड हस्तियों ने भी दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तबस्सुम गोविल सिनेमा जगत में कभी किसी पहचान की मोहताज नहीं रही है। उनका जन्म 9 जुलाई 1944 को अयोध्या में हुआ था। उनके पिता अयोध्या नाथ सचदेव और असगरी बेगम स्वतंत्रता सेनानी थे। हालांकि अभिनेत्री की पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई। दावा किया जाता है कि तबस्सुम ने बहुत छोटी सी उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रख लिया था। वो जब पहली बार स्क्रीन पर आई थी तब वो महज 3 साल की थी। साल 1947 में रिलीज हुई उनकी फिल्म मेरा सुहाग में उन्होंने बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी। तबस्सुम ने फिल्म दीदार में नरगिस के बचपन का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया था और इसके बाद वो कई फिल्मों में भी नजर आई। सिनेमा के अलावा तबस्सुम का नाम टीवी की दुनिया में भी काफी ऊपर रहा है। उन्होंने पहले भारतीय टेलीविजन टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन की शुरुआत की। इस शो में वो सिनेमा जगत से जुड़े लोगों से खास बातचीत करती थी। अभिनेत्री के इस शो को ढेर सारा प्यार भी मिला था और इसी वजह से ये शो दूरदर्शन पर एक या दो नहीं बल्कि पूरे 21 साल तक प्रसारित हुआ था। इस शो की शुरुआत साल 1972 में हुई थी और ये शो 1993 तक चला था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।